हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिसाइज के बारे में कि प्रिसाइज क्या होता है और अच्छा प्रिसाइज जो होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें। जैसे कि आप जब भी हमारे चैनल पे आए तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इग्नू बीकॉम न्यू, आप जब भी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आएंगे इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इग्नू बीकॉम, इग्नू एम कॉम न्यू, एम कॉम ओल्ड, एम बीकॉम न्यू। तो बीकॉम न्यू में आपको आना है। बीकॉम न्यू में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसमें बहुत सारे ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके एक दो बीकॉम में जाना है और फिर इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे। हालांकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे वीडियोज के माध्यम से इतने सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे इग्नू के, जो कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। आपको बस इनको लेना है, लिखना है और फिर सबमिट कर देना है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्हिच इज अबाउट द प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या होता है और प्रिसाइज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो प्रिसाइज वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। प्रिसाइज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी चीज को छोटे तौर पे बताना। कोई कहानी लिखी हुई है उसको प्रिसाइज करके जो कहानी का जो मूल सार है वो आपने कुछ शब्दों में, कुछ सेंटेंसेस में आपने बता दिया। ठीक है, तो प्रिसाइज का वो मतलब यहाँ पे होता है। चलिए फिर देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा है प्रिसाइज इज अ फ्रेंच वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रेसियस। पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रेसिसस, प्रेसिसस। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्रेसिडर, ये ठीक है ना, प्रेसिडियर है, उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है प्रेसिसस, विच मीन्स टू कट ऑफ। इसका मतलब होता है एक तरीके से रोक देना, टू ब्रीफ, किसी चीज को छोटे तौर पर समझाना, and is connected with the English word precise, है ना? जिसका connection होता है precise के साथ। precise का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करके बताना, है ना? precise way में बताना, जैसे बोलते हैं ना कि gist बताओ मुझे। कहानी तो तुमने मुझे सुना दी, पर कहानी का gist क्या था, कहानी का moral of the story क्या था, तो उसे हम कहेंगे precise। ठीक है, एक paragraph और कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब precise is a summary or the gist of the main ideas of a written matter। तो जो भी बातें लिखी गई हैं, जो रिटन मैटर में लिखी गई हैं, उन सब का समरी या फिर जीस्ट को हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज। दस प्रिसाइज राइटिंग मींस समराइजिंग। इसका मतलब होता है कि प्रिसाइज राइटिंग का मतलब होता है समराइजिंग, चीजों को समराइज करना। इट इज एन एक्सरसाइज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रीहेंशन एंड कंडेंसेशन इन ऑर्डर टू मेक अ समरी ऑफ एन आर्टिकल, ए स्पीच और अ स्टोरी। वन हैज टू रीड इट केयरफुली एंड ग्रैस्प इट्स मीनिंग, है ना? तो यहीं पे ये बात बता दी गई है कि इन ऑर्डर टू मेक अ समरी, जब आप प्रिसाइज करते हो, जब आप समरी तैयार करते हो, तो उस केस में आपको स्पीच जो होता है या स्टोरी जो होता है उसको अच्छे तरीके से रीड करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, फिर जाकर के आप उसका मीनिंग जो है बता पाते हो। सो प्रिसाइज राइटिंग का मतलब यही है कि आप उन सारी चीजों को एक तरीके से सुनोगे, समझोगे और फिर जाकर के आप उसको उसके बारे में आप लिखोगे प्रिसाइज वे में, छोटे वे में। सो प्रिसाइज राइटिंग फोर्सेस वन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मटेरियल व्हिच इज टू बी समराइज, है ना? तो प्रिसाइज राइटिंग तरीके से फोकस करवाता है कि आपका जो ध्यान है वो आपका ध्यान जो है, यू नो, मटेरियल जो चीजें हैं, जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर आपका ध्यान हो, ताकि जब भी आप चीजों को समराइज करो तो उन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन करके आप चीजों को प्रिसाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस प्रिसाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है अ गुड प्रिसाइज इज नॉट मेयरली अ लिस्ट ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज, द आइडियाज आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस सो दैट द प्रिसाइज रीड्स लाइक एन ओरिजिनल पीस ऑफ कंपोजिशन, है ना? तो प्रिसाइज का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे जस्ट एक लिस्ट है मेन आइडियाज, जो एक पैसेज है उसमें जो मेन मेन बातें लिखी गई हैं उसका सिर्फ एक लिस्ट होने का मतलब ही प्रिसाइज होना नहीं होता है, जब बल्कि उन आइडियाज का ऑर्गेनाइज होना और उनको ठीक तरीके से लॉजिकल मैनर में, यू नो, लॉजिकल सीक्वेंस में उनको एक्सप्रेस करना, है ना, ताकि वो एक तरीके से ओरिजिनल पीस ऑफ कंपोजिशन लगे, तब जाकर के उस प्रिसाइज को हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे। तो एक अच्छा प्रिसाइज का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यही होता है कि यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे मेयरली जो है मेन आइडियाज ऑफ अ पैसेज नहीं होता है, बल्कि उन सारे आइडियाज को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में, लॉजिकल सीक्वेंस में आप उसको एक्सप्रेस करते हो, ताकि वो एक तरीके से ओरिजिनल पीस ऑफ कंपोजिशन लगे।
ठीक है ना। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, अ गुड प्रिसाइज शुड कंटेन ऑल द एसेंशियल आइडियाज इन द ओरिजिनल पैसेज ओमिटिंग नॉन एसेंशियल डिटेल्स एग्जाम्पल्स ईटीसी। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक अच्छा प्रिसाइज का मतलब हो गया कि उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, उसमें एसेंशियल जो भी आपके आइडियाज थे ओरिजिनल पैसेज में वो सारी चीजें वहां पे जो होनी चाहिए, जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है वगैरह वगैरह और भी जो भी नॉन एसेंशियल चीजें होती हैं वो चीजें वहां से आपको हटा देनी है। जब भी आप प्रिसाइज तैयार करेंगे नॉन एसेंशियल चीजें आप नहीं लिखेंगे, जो एसेंशियल चीजें होंगे सिर्फ आपको वही लिखनी है वहां पे। द आइडियल शुड बी एज फार एज पॉसिबल इन द सेम ऑर्डर एज इन द ओरिजिनल। जो आइडियाज हैं वो एक तरीके से सेम ऑर्डर में होंगे जिस तरीके से ओरिजिनल में बताई गई हैं। वी शुड रिमेंबर दैट इन द प्रिसाइज वन शुड नॉट ऐड एनीथिंग दैट द ओरिजिनल पैसेज डज नॉट कंटेन। अब प्रिसाइज में आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आप अपने मर्जी से कोई बात वहां पे ना लिख दो, जो पैसेज में लिखा गया है उसके बेसिस पे प्रिसाइज करने के बाद जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो उसके बेसिस पे ही होनी चाहिए जो वहां पे ओरिजिनल पैसेज में लिखा गया है। आप बाहर से किसी चीज को वहां पे ऐड नहीं कर सकते हो जो कि सही बात नहीं होती है ना, नहीं कर सकते हो। सही बात होती है मतलब आप कैसे करोगे यार, जो बात लिखी नहीं हो आप उसमें एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर सकते हो, राइट। सो देयर इज नो नीड टू कमेंट ऑन द ओरिजिनल मैटर इधर। तो इस केस में आपको ओरिजिनल मैटर के ऊपर भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है द लैंग्वेज ऑफ द प्रिसाइज शुड बी क्लियर। जो लैंग्वेज होना चाहिए प्रिसाइज का वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि पढ़ के समझ में आ जाए। ब्रीफ एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। मेंटेनिंग एट द सेम टाइम द स्टाइल एंड स्प्रिंट ऑफ द ओरिजिनल, जबकि सेम टाइम आपको जो है उस ओरिजिनल का जो पैसेज था उसका स्टाइल और उसका स्प्रिट को भी एक तरीके से कॉपी करना चाहिए। कॉपी नहीं बोलूंगा, उसमें उसमें वो चीजें होनी चाहिए, है ना। तो प्रिसाइज का मतलब हो गया कि कंटेंट जो है उसका आप उसको छोटे तौर पे लिख रहे हो, बता रहे हो, दिखा रहे हो, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है उससे ये कम भी नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि भाई एकदम सेम ही है, समझ रहे हो। उसमें एकदम स्टाइल होना चाहिए और स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल उसमें होना चाहिए। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगले तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में बता देता हूँ। अब प्रिसाइज शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। प्रिसाइज जो होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो प्रिसाइज जो हमेशा वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, डायरेक्ट स्पीच में नहीं होगा। अ गुड प्रिसाइज शुड एज फार एज पॉसिबल बी इन द राइटर्स ओन वर्ड्स, है ना। एक अच्छा प्रिसाइज वो होता है जो कि अपना जो राइटर जो है वो अपने हिसाब से जो भी उसके दिमाग में है वो उसको प्रिसाइज करके लिखता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई मतलब टीम बैठी हुई है जो कि एक तरीके से जज कर रही है ये लिखना है वो लिखना है, ऐसा नहीं होता। जो भी राइटर होता है वो अपने वर्ड्स में जब प्रिसाइज करने की कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं गुड प्रिसाइज। अ गुड प्रिसाइज शुड एज फार एज पॉसिबल जितना भी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हो सके वो राइटर के ओन वर्ड में होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ प्रिस्क्राइब्ड बाय अ टू लार्ज अ मार्जिन, है ना। यूजुअली द लिमिट सेट फॉर प्रिसाइज इज 1/3 इन द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। यहाँ पर जो बात बोली गई वो ये है कि जो आपका प्रिसाइज है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रिसाइज को प्रिसाइज हम बोलेंगे क्यों, है ना। पैसेज भी बोल सकते हैं राइट। तो प्रिसाइज को प्रिसाइज हम तभी बोलते हैं जब आपका उसका लेंथ जो है छोटा होगा। छोटी चीजें आप लिखोगे, छोटे छोटे यू नो चीजों में आप लिखोगे और उसी में आपका जो पूरा का पूरा सार है उस पैसेज का वो निकल के आ जाएगा, वो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनली जो बात बोली जाती है, यूजुअली जो बात बोली जाती है वो ये है कि प्रिसाइज जो होता है वो ओरिजिनल के लेंथ का 1/3 होता है। मतलब सपोज अगर और पैसेज 210 वर्ड्स में लिखा गया है तो 70 वर्ड में आपका प्रिसाइज जो है हो जाना चाहिए, है ना। 1/3 आपका प्रिसाइज होता है। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि प्रिसाइज क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।